लहरों राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ सब मंजारी। जी हाँ, लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया है। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। लैंड फॉर जॉब्स केस में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उनके खिलाफ भी केस चलेगा। सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को आरोपी बनाया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं, ये सब चलता रहेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है। रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं 12 सितंबर को ही लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी थी। एक्सपर्ट की माने तो अब समन वाले दिन आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। इस दौरान कोर्ट सभी आरोपियों को चार्जशीट पढ़कर सुनाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्हें आरोप स्वीकार है। इसके बाद चार्जशीट के आधार पर आरोप गठन होगा, इसी के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। लैंड फॉर जॉब्स केस में आरोपी डिस्चार्ज एप्लीकेशन हायर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। वे वहां चार्जशीट को खारिज करने की अपील कर सकते हैं। अपने तर्क के आधार पर बता सकते हैं कि उन पर दायर चार्जशीट तथ्यहीन है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। ऐसे मामलों में फिलहाल तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। जांच के बाद चार्जशीट दायर हुई है, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। अब आपको ये बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 तक वो थे, और लैंड फॉर जॉब उन्हीं के उसमें हुआ है जब वो रेल मंत्री थे। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। जो लालू परिवार के लोग थे, बस उन्हीं के नाम पर जमीन ट्रांसफर कराई गई थी। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया था। लैंड फॉर जॉब्स मामले में पूरी तरीके से नया केस है। पुराने केस में पहले ही राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। तो आपको बता दें, लगातार लालू परिवार की मुश्किलें बढ़। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।